गृह मंत्रालय की तरफ से पंजाब के सरहदी जिलों के किसानों पर आरोप है कि प्रदेश के सरहदी जिलों के किसानों पर उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले खेत मजदूरों को नशे का आदि बनाते हैं और फिर उन्हें बंधक बनाकर अपने खेतों में अमानवीय तरीके से काम कराते हैं। इस सब पर जब किसान के साथ बातचीत की गई तो उन्हें पता चला कि किसानों पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार झूठे आरोप लगाकर किसान आंदोलन को गिराना चाहती है। इस मामले पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी नकारा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ रंजिश रख रही है और केंद्र सरकार को अपनी चिट्ठी वापस लेनी चाहिए और पंजाब से माफी मांगनी चाहिए। वो जे किसान की जी बाजवा साहब ने जी गल दसी है जी खतरनाक गल ये आई है कि उन्होंने कहा कि सानू BSF ने इनपुट दी है कि जेडे बॉर्डर के उपर किसान ने जो जे मजदूर बैठते हैं उन्होंने जो शोषण हो रहा और उन्होंने बॉन्ड लेबर उन्होंने करवाई जा रही है जो कि सरासर गलत है और पंजाब को बदनाम करने की ये जी इन्होंने कोई साजिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को बहुत वड्डा दिल रखना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसानों के नाल जी कोई तुहाडी दुश्मनी हैगी है तो वह पंजाब के नाल जिहड़े असी बॉर्डर के उपर बैठे हैं जिहड़े पाकिस्तान के नाल लड़ाई करते हैं जिहड़े पाकिस्तान के नाल असी हिक डाह के लड़ाई की है 65 और 71 की तो उन्हां किसानों की अज ये तोहीन कर रहा जो बहुत बदकिस्मती की गल है और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये अपनी इमीजिएटली लैटर वापस लेनी चाहिए है और पंजाब के किसानों को बिल्कुल नहीं ये गल बिल्कुल सच्चाई तो कौन दूर आ ये कोई सच्चाई है नहीं मतलब बिल्कुल अजे तक कोई भी मजदूर साबित कर दे भी साढ़े किसी ने पैसे मारे चाहे सानू किसी ने मजबूरी किसी आवाजार किया वा जां सानू धक्के ना किसी ने काम लवाया बिल्कुल नहीं ये बिल्कुल गलत गल है एक फ्रॉड है आम पब्लिक ना फ्रॉड कर रहा लोगों मतलब माड़े विचार पैदा करके तो लोगों को भड़काना चाहते और कोई 13 मजदूर है जी हम लोग को बंधुआ पे जीरी मजदूरी नहीं लगाते हैं। हम लोग काम करते हैं पैसे देते हैं नशा पानी कुछ नहीं खिलाता है हम लोग अपने मर्जी से करते हैं और अपना मर्जी से काम खत्म हो जाते हैं तो हम अपना देश को घर चले जाते हैं बिहार।